Hi, I am Asa Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lecture and tips. थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट पे, ओके? जो अभी बेसिक लेवल पे है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है. ये मैंने एक 2D बना के लिया है सेंटर में, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये 5 mm का, अगर हमारा रनर शेक है तो 1 mm कम का क्या करूंगा मैं, पिन बना के लूंगा वहां पे, ओके? फिनिश स्केच करता हूँ, मैं बना देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ. सेम एज इजेक्टर पिन, जैसा इजेक्टर पिन होता है, जैसे आर्टिकल इजेक्टर पिन होता है, वैसे हमारा क्या होता है, रनर इजेक्टर पिन होता है. क्वांटिल एक्सटेंडेड कर दीजिए, ठीक है, फेस तक का ये आ गया अप्लाई, ठीक है. अब ये 5 की पिन है, तो 5 की पिन के लिए जो आपका, मैं इसे हाइड कर लेता हूँ सब चीजों को. 5 की पिन के लिए जो कॉलर होता है आपका, वो 10 mm का होता है डाया, और डिप जो होता है वो 3 mm होता है, ओके? 3 mm डिप, और कॉलर जो है वो 10 mm होगा, तो सिंगल साइड ऑफसेट 2.5 आ जाएगा. तो 2.5 कितना हो जाएगा, 5, और पिन हमारी 5 mm की, तो 10 हो गया, ओके? मैं इसको यूनिट कर लूंगा इसके साथ, पिन के साथ. राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, अगर सिलेक्शन नहीं हो तो. ओके, ये हो गया हमारा. अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट भी कर लूंगा एट अ टाइम, अप्लाई, फिर मैं इसे ऑफसेट भी दे दूंगा, जैसे मैंने इजेक्टिव पेंस में रखा है वैसे इसमें भी. कॉलर में 0.5 का ऑफसेट सफिशियंट है. इसमें रिलीफ आएगा, ओके? गाइड एरिया मैंने बताया था खाली 25 से 30 mm होगा कोर में, बाकी पूरा रिलीफ रहेगा. चैम्फर भी दे देंगे, एंट्री चैम्फर और शार्प कॉर्नर अवॉइड करने के लिए चैम्फर, ओके? 0.5 का चैम्फर दे देंगे क्योंकि डाया कम है. मैं पिन को कॉल कर लूंगा वापस से, यहाँ से शो, सबट्रैक करके ले लूंगा इसमें से, ओके? कोर बैक प्लेट में भी सिमर ले लिया, मैं ऑफसेट ले लूंगा, ये भी रिलीफ रहेगा. आप पहले बना लीजिए, देख लीजिए वीडियो पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. ये इतने डीप में एक एक पिन, ऐसा कोई आपको मोल्ड की हर एक चीज बताएगा नहीं, ठीक है? फिर मैं सिमिलरली कोर प्लेट में भी सब्ट्रैक्ट कर लूंगा पिन को, डन हो गया, ठीक है? कोर प्लेट में भी एंट्री चैम्फर दे दूंगा मैं नीचे से, मैं सीधे से पिन को जो है वो कोर में गाइड रखूंगा, ठीक है? 25 से 30 mm गाइड रखते हैं हम, तो कोर प्लेट की हमारी थिकनेस ही अराउंड 32 है, तो मैं उसमें रिलीफ नहीं करूंगा, ओके? इसको कॉल कर लूंगा मैं. अभी देखो, जो हमारा ये पिन है ना, बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो रनर होगा ना, ये रनर को पुश करने का, ठीक है? जैसे ये आर्टिकल है, इसको इजेक्ट करने के लिए हमने क्या डाल के रखा है, यहाँ पर इजेक्टर पिन डाल के रखे, वैसे इस रनर को इजेक्ट करने के लिए हमारा ये क्या है, रनर इजेक्टर पिन. तो ये तो पहली बात, इतना ओपन नहीं रहेगा, ये डाउन रहेगा, ओके? बट ये कितना डाउन रहेगा, तो ये रनर से अराउंड 3 mm डाउन रखते, कितना रखते इसको डाउन, 3 mm. मुझे मालूम है कि ये जो रनर है ये ऑलरेडी कितना डीप है, 3 mm, 6 mm का डाया था, 6 mm का, 3 mm डीप है, तो मुझे इसे कितना डाउन करना पड़ेगा, 6 mm डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इसे 6 mm डाउन कर दूंगा. 3 mm क्यों डाउन रखना है मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? ये मैंने 3 mm डाउन रखा है. अभी 3 mm डाउन क्यों रखा है ना, उसका एक रीजन है.
मुझे यहाँ पे एक अंडरकट बनाना है। क्या बनाना है? अंडरकट। मैं बना के लेता हूँ अंडरकट। अराउंड जो आपका ये अंडरकट होगा वो 1 mm का होगा, ठीक है। इसे मैं मूव कर लूंगा। जब मैं मूव करूंगा इसे, और यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ओके, अगर मैं इसे हाइड करके बताता हूं आपको, बेसिकली हो क्या रहा है। ये जो मैंने अंडरकट बनाया है ना, ये दिख रहा है, ये जो अंडरकट है ना, अभी क्या होगा, मेरा प्लास्टिक फ्लो होगा यहाँ से, तो यहाँ भी फिल होगा। कहाँ तक का? ये रनर इजेक्टर तक का, और ये फेस में भी फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आपका जो रनर है वो अटक जाएगा। ये अंडरकट होने की वजह से ये निकलेगा नहीं, मतलब जो स्क्रू बूस्टर है वो इस तरफ निकल के आ जाएगा, ना कि ये रनर उस तरफ जाएगा, ठीक है। ये अंडरकट क्या करेगा, इसको एकदम टाइटली होल्ड कर लेगा, और स्क्रू बूस्ट में जो है वो हमारा ड्राफ्टिंग है, कहीं पे अंडरकट नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉक हो गया है वो, है ना। ये जो है हमारा यहाँ पे रनर लॉक हो गया, तो ये इसे इधर खींच के लाएगा। फिर अब ये लॉक है तो इसको निकलने में प्रॉब्लम है, रनर को आर्टिकल के साथ निकलेगा नहीं, रनर साथ में भले ही गेट पे अटैच है लेकिन उतना ज्यादा ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। ये जो अटैचमेंट है ये टूट जाएगा यहाँ से, क्यों, ये अंडरकट जो है ये बहुत फॉर्मली इसको पकड़ के रखेगा। तो क्या होगा, जब इजेक्टर पिन चलेगी, जब आर्टिकल को निकालेगा, तो गेट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, हमारा आर्टिकल रिलीज हो जाएगा, लेकिन जो रनर है वो यहीं पे रह जाएगा। तो अब रनर को पुश करने के लिए ये हमारा जो इजेक्टर पिन है वो पुश करके धक्का मार के निकाल देगा। समझ में, जो आपका जो पिन है ना ये पुश करके निकाल देगा, तो ये जंप आउट होके रनर आपका बाहर आ जाएगा। मैं रनर भी इसको पूरा कंप्लीट बना देता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। यूनाइट कर दूंगा मैं ये जो मैंने ट्यूब बनाया ना उसके साथ, ठीक है, मैंने यूनाइट कर दिया है उसके साथ। ओके, मैं इसे शो कर लूंगा, मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है, ये आपका ऐसा अंडरकट रहेगा, जो आपका प्लास्टिक जो होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। मैं अब रनर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा रनर है। अब मैं इसको इसके साथ यूनाइट कर देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपका रनर कैसा होगा। ये हो गया, और यहाँ पर जो आएगा आपका, जो आप ग्रिल मारोगे उसका रेडियस आ जाएगा, ब्लाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ रनर का शेप होगा, ठीक है। ये जो अंडरकट है ये क्या करेगा, आपको पकड़ के रखेगा। क्यों पकड़ के रखेगा, ये इससे निकाल के लाने के लिए स्क्रू बुश से, ठीक है। जो स्क्रू बुश का मूवमेंट है वो मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि एक्चुअली मैंने स्क्रू बुश का मूवमेंट डिलीट किया, मैंने इसका मूवमेंट डिलीट कर दिया। स्क्रू बुश का जो मूव है वो यहाँ है, ओके, ठीक है, वो देखो स्क्रू बुश आ गया। समझ में, ये जो अंडरकट मारा है वो किसके लिए मारा है, इसको स्क्रू बुश को इस तरफ खींचने के लिए। यहाँ पे क्या होगा, अंडरकट की वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ से पकड़ के रखेगा कोर में रनर को, तो ये कैविटी से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब कोर से रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैंने उसके लिए क्या किया, यहाँ पर इजेक्टर पिन बना के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। आपके पिन है, फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे इजेक्टर ऊपर जाएगा तो इजेक्टर पिन इसको भी पुश करके निकाल देगा, ठीक है। तो साथ में आर्टिकल के साथ रनर भी सेम एट द सेम टाइम इजेक्शन होना चालू हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो
कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं इसे कलर कोड कर देता हूँ। ओके, जो मेरी इंसर्ट पिन है इसे हम कोर साइड इंसर्ट पिन बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। सेव कर लेते इसे। प्रोफाइल को कॉल कर लेता हूँ।